हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि समर आ गया है और बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे फूलों का सीज़न भी आ गया है। तो इसीलिए आज मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ वो है नस्टेडियम प्लांट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा फूल होता है। इसे आप बेल की तरह भी इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेल लगाना चाहते हैं अपने घर में सीज़न में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके जो पत्ते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। इसके जो पत्ते हैं, कितनी सुंदर शेप आती है इन पत्तों की। और इसके जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स अभी पूरी तरह से जो हैं खिले नहीं हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो इस तरह से बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर में आते हैं। इसके कुछ पौधे जो हैं वो येलो कलर में भी आते हैं। अभी मेरे पास येलो प्लांट नहीं है दिखाने के लिए, अभी मेरे पास ये ऑरेंज कलर का प्लांट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि इसके जो प्लांट्स हैं इसकी हमें किस तरह से केयर करनी है, किस तरह से इसका पौधा लगाना है। और ये जो प्लांट है इसे हम सीड्स के थ्रू भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों करके बताने वाली हूँ। और सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसके लिए जो है कि किसी भी तरह की स्पेशल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हमें नॉर्मल मिट्टी की ज़रूरत होती है। नॉर्मल मिट्टी जो बहुत ही ज़्यादा रिच सॉइल ना हो, मतलब कि उसमें ज़्यादा खाद ना हो, खाद का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया गया हो, नॉर्मल सॉइल हो। फिर अगर आप देखें तो उसमें आप ले लीजिए एक हिस्सा जो है वो मिट्टी ले लीजिए, एक हिस्सा सैंड का ले लीजिए, और आधा हिस्सा जो है या आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा आप खाद का मिलाएं, उस मिट्टी में इसे लगाना है। और इसको मैंने बताया ये येलो कलर के साथ साथ ऑरेंज कलर में मिलते हैं। ऑरेंज कलर में आपको दिखा रही हूँ, येलो कलर का प्लांट जब मेरे पास आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आपको ज़रूर शो करूँगी। इसका जो बेस्ट टाइमिंग है वो समर में है, समर की स्टार्टिंग में आप इसे लगा लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये जो हैं ये इसके सीड्स हैं। मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से इसके सीड्स हैं। इसके सीड्स हैं जो अब हम इन्हें उगाएंगे। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा भिगो के उसके बाद आप पानी में इसे डाल सकते हैं, पर मैं इस तरह से डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी कि हम डायरेक्ट इसे किस तरह से लगाएंगे। फ्रेंड्स, मैं इसे जिस प्लांट में लगा रही हूँ, देखिए इस तरह से हम इसे गमले में लगा देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्के हाथ से आप इन्हें थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, ताकि ये जो बीज हैं वो थोड़े से अंदर तक चले जाएं। ये तो आपने देख लिया फ्रेंड्स किसे बीजों को जो है किस तरह से लगाना है, इसके बीज कैसे होते हैं। इस बीज में हमने इसे लगा दिया है। ये जो मेरा प्लांट पॉट है इसे भी मैंने जो है रिसाइकिल किया है किसी प्लास्टिक की बॉटल से, उसका वीडियो मैं आपको बाद में अलग से दिखाऊँगी। देखिए इस तरह से इसके जो हैं बीज लग गए हैं। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ कुछ कटिंग्स हैं। अगर आप इसे कटिंग के थ्रू लगाते हैं, मैंने कुछ कटिंग अपने प्लांट में से निकाली आपको दिखाने के लिए। देखिए अगर आप इसे कुछ कटिंग्स के थ्रू लगाते हैं, देखिए ये इसकी कटिंग ले ली मैंने। देखिए इस कटिंग को इस तरह से इसमें लगा दिया। ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो इसकी कटिंग है इसे हम इस तरह से, जो इसकी जड़ें हैं उनको बीच में जाना ज़रूरी है। उनको बीच में अच्छे से लगाने के बाद हम इसे अपने हाथों से प्रेस कर देंगे। देखिए ये वाला भी मैं इस तरह से यहाँ लगा देती हूँ। ये जो बीज बाहर आ गया इसे हम दोबारा से अंदर प्रेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से इसमें सीड्स के साथ साथ आप कटिंग से भी हमारा ये एक प्रॉपर जो है एक नया प्लांट जो है वो रेडी हो गया है। देखिए इसमें मैंने तीन अलग अलग कटिंग्स लगाई हैं, एक ये, एक ये और एक ये। इन तीन कटिंग्स के बाद हमारा जो है अलग से प्लांट बन गया है। एक प्लांट मेरा ऑलरेडी है, दूसरा मैंने इस तरह से कटिंग से बना लिया है।
ये बेस्ट टाइम रहेगा इसे लगाने का। अगर आपने इस प्लांट को नहीं लगाया तो मैंने आपको बता दिया कि सीड्स के थ्रू भी कैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है और आप इसे एक और ग्रो करना चाहते हैं तो आप कटिंग के थ्रू इस तरह से इसे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें एक बार बताऊँ, वैसे तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो आपको दिखाऊँगी कि इसके सीड्स कैसे कलेक्ट करते हैं, पर मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए ये जो है, ये आप नोटिस करें, आपको ये दिखेगा, ये जो है ये इसका सीड जो है ये रेडी हो रहा है। इस तरह से इसके सीड्स जो हैं वो रेडी होंगे। देखिए इस तरह से इसका सीड रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। कितना सुंदर प्लांट जो है मेरा एक रेडी हो गया ये फ्रेंड्स। इसकी जो कटिंग हमने लगाई है इसे हम थोड़ा थोड़ा काट देंगे ताकि उसमें से नए पत्ते जो हैं वो ईजीली ग्रो कर पाए। इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देंगे इनकी और इस वाले की भी हम कटिंग कर देते हैं जिससे कि इसमें अच्छे से प्लांट आ जाए। इस तरह से हम इसकी कटिंग को लगा देंगे। देखिए इसकी कटिंग होने के बाद इस प्लांट ऐसा लगेगा। ये जो कटिंग करी है हमने वहाँ पे इसके जो है नई शाखाएं आ जाएंगी, नए पत्ते आएंगे और बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें जो है फूल खिलेंगे। फ्रेंड्स के जब भी आप कोई सीड्स लगाते हैं या कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा जो है पानी ज़रूर डालें। पानी डालने से क्या होता है कि वो जो प्लांट होता है उसे अच्छे से सेट होने के लिए हेल्प मिलती है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिससे कि ये जो प्लांट है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप भी अपने प्लांट को रेडी करिए। अगर आपके पास ये प्लांट ऑलरेडी है तो उसकी कटिंग के थ्रू इसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो इसके सीड्स लेके, चाहे तो आप इसे मार्केट से सीड्स लेके बना सकते हैं। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ये जो प्लांट है समर में लगाया तो इसे आपका प्लांट कैसा बना। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।